हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आई एम रचना निगम फ्रॉम आशा नेशनल इंग्लिश स्कूल एंड द गुड शेफर्ड एजुकेशन सेंटर। टुडेज ऑनलाइन क्लास इज फॉर क्लास फिफ्थ इंग्लिश मीडियम एंड द सब्जेक्ट इज इंग्लिश फर्स्ट। बच्चों, लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे लेसन 3 फ्लाइंग टुगेदर, इसकी हमने मीनिंग यहाँ तक समझ ली थी। ठीक है, आज हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए इसमें है, वेल देर इज नो हरी, दे रिप्लाइड, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। वो जो एक बुद्धिमान पक्षी थे, वो सबको समझा रहे थे अपने पूरे झुंड को कि ये क्रीपर ऊपर आ रहा है तो इसको हम डिस्ट्रॉय कर दें, मगर बाकी सारे नहीं मान रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि इसे उखाड़ने में या इसे नष्ट करने के लिए इतनी भी क्या जल्दी है। कहने लगे कि क्रीपर जो है ये तो अभी बहुत छोटा है, इसे अगर हम डिस्ट्रॉय करेंगे अभी तो हमें, मतलब इस पर दया आएगी, हमें बड़ा खराब लगेगा कि हम इसको उखाड़ के फेंक रहे हैं। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजीली, लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। वो कहने लगे कि इसको अभी काटना, क्योंकि अभी छोटा सा है, इसको अभी नष्ट करना बहुत आसान है। मैं तो तुम लोग को समझा रहा हूँ कि अभी, मतलब ये मेरा सुझाव है तुम लोगों को कि अभी इसे काट दो, ये बड़ी इजी वे में, मतलब बहुत आसानी से कट जाएगा, फिर बाद में ये हार्ड हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा, तो इसे काटने में बहुत प्रॉब्लम होगी, आसानी से हम लोग इसे नहीं काट पाएंगे। विल सी आंसर्ड द बर्ड्स, बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर। उन लोगों ने कहा हम देख लेंगे, ऐसे करके उन लोगों ने आंसर किया। सारे बर्ड्स जो कि गीस थे, उन लोगों ने मतलब बहुत लाइटली लिया इस चीज को, मगर उन लोगों ने इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइस ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, और मतलब कुछ समय बाद वो लोग इस बात को भूल भी गए कि ये वाइस बर्ड जो थी इसने हमें क्या एडवाइस किया। एज द क्रीपर ग्रू इट बिगन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, जैसे जैसे ये क्रीपर बढ़ने लगा तो ये घूमते हुए, मतलब ये लिपटता गया उस पेड़ के चारों ओर। देखिए इस चित्र में बना है, ये देखिए ऐसे ये बेल है, लिपटती जा रही, क्रीपर को हिंदी में बेल कहते हैं, तो ये क्रीपर इसके चारों ओर लिपटता जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे।